नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मच्छरों के बारे में और इनसे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। धरती पर 3500 से भी ज़्यादा प्रकार के मच्छर मौजूद है। ये 20 करोड़ साल पहले धरती पर आए थे। मच्छर इंसान की सांस भी सूंघ सकते हैं। ये 75 फीट दूर से CO2 सूंघ लेते हैं। मच्छर 2 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ते हैं और ये 40 फीट से ऊपर नहीं उड़ सकते। ये अपने जन्म स्थान से 1 मील तक के एरिया में ही उड़ते हैं। केवल मादा मच्छर ही खून चूसती है, नर मच्छर तो शाकाहारी होते हैं। मच्छर लगभग 16 मिलीमीटर लंबे और 2.5 मिलीग्राम वजनी होते हैं। मच्छर अपने एक बार के डंक से 0.001 से 0.1 मिलीलीटर तक खून चूस सकते हैं। जब मच्छर खून के लिए ज़्यादा ही उतावले हो जाते हैं तो ये कपड़ों में से भी डसने लगते हैं। मच्छर सिर्फ आपको काटते ही नहीं बल्कि खून चूसने के बाद आपकी त्वचा पर पेशाब भी कर देते हैं। मादा मच्छर एक साथ 300 अंडे से तक ज़्यादा दे सकती है। ये अपने जीवन में करीब 500 अंडे पैदा करती है। यदि मच्छरों को खून ना मिले तो ये नए बच्चे पैदा नहीं कर सकते। एक मादा मच्छर की उम्र लगभग 2 महीने की और नर मच्छर की उम्र लगभग 15 दिन की होती है। मच्छर के पंख 1 सेकंड में 500 बार फड़फड़ाते हैं। मच्छर अपने वजन से 3 गुना ज़्यादा खून चूस सकते हैं। किसी भी और रंग की बजाय मच्छर नीले रंग की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। 12 लाख मच्छर आपका पूरा खून चूस जाएंगे। मच्छर के 6 पैर होते हैं और 47 दांत होते हैं। ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ज़्यादा मच्छर काटते हैं। मच्छर उन लोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जिन्हें अभी अभी केला खाया है। यदि धरती पर मौजूद सभी मच्छरों को मारकर एक फुटबॉल के मैदान में इकट्ठा कर लिया जाए तो यह 5 किलोमीटर ऊंचा ढेर लग जाएगा। आइसलैंड अकेला ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते। इतिहास में हुए सभी युद्धों में सबसे ज़्यादा मौतें मच्छरों के काटने से ही हुई है। मच्छर से होने वाली बीमारियां मलेरिया से हर साल 10 लाख लोगों की मौत हो रही है। अगर सिर्फ अफ्रीका की बात करें तो हर 45 सेकंड में एक मौत। यदि मच्छर के काटने वाली जगह पर खुजली हो रही तो वहाँ पर चम्मच को थोड़ा सा गर्म करके लगा लीजिए, खुजली बंद हो जाएगी। यदि आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर मच्छर बैठ गया है तो आप उसे मारना चाहते हो तो शरीर के उस हिस्से को टाइट कर ले, फिर आप देखोगे कि मच्छर उड़ नहीं पाएगा और आप उसे आसानी से मार दोगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।